बैठ जा थोड़ा भैया, सर नीचे कर लो भैया, सर भैया नीचे कर लो, रहिएगा निश्चित।
उन तमाम इंद्रियों को लिया है जो अपने सरकार ने पिछले 5 सालों में नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत से जो घोषणा की थी, हमें लगता है कि वो केवल केवल झूठा खुलंदा साबित नहीं है। एक बहुत बड़ी घोषणा की थी सरकार ने स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी बनाने का जो वादा किया था वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नगर निगम के एरिया में लखनऊ में भी कई जगह। जबकि तमाम तरीके की बातें हो रही थी, तस्मान का सम्मेलन हो रहे थे, उसको कैसे देखते हैं? ये उनका विषय है, किसको देना किसको नहीं देना ये हमारा विषय नहीं है। हमने बहुत सारे साथियों को सभी को दिया है, किसी को छोड़ा नहीं है। आप लोग प्रचार का बोल रहे हैं, प्रदेश वाला बता दिया उनका छोड़ दिया। प्रदेश में तो हम प्रदेश भर में प्रचार का कल से उतर गए, कल से हमने जमा है। आज आपसे अनुमति ले लिए, आप सबसे मिलकर के कल से निकल। अभी भी आपने स्मार्ट सिटी का उल्लेख किया, जो स्मार्ट सिटी का एजेंडा किया था आपको पूरे मैनिफेस्टो में स्मार्ट सिटी का कहीं कोई झलक नहीं। हम वही झलक दिखाएंगे जो हम कर, स्मार्ट सिटी सरकार का पैसा जाता, हम सरकार को बनने नहीं जा रहे। जब हम सरकार भी आएंगे तब उसको लेंगे, अभी तो हम नगर की सरकार का नाम लिया। नगर की सरकार का ये एजेंडा नहीं है कि हम स्मार्ट सिटी बना सकते, ये उत्तर प्रदेश सरकार का एजेंडा था। लेकिन ये एजेंडा भी इनसे कनेक्टिविटी में था, जो भी स्मार्ट सिटी बनेगा किसी नगर नगर पालिका नगर पंचायत वो फेल है। इसलिए मैंने उसको निकाला, जब हम सरकार में होंगे तो इन्होंने कहा है भले ही हम 50 बनाए, ये 100 की बात कर रहे हैं, भले ही 50 बनाए लेकिन स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आपके उसमें कमाई का सही नहीं रही है, वहाँ बना रहे हैं। आप देखिए छत्तीसगढ़ को देखिए, आप कितने स्मार्ट सिटी बना रहे हो, छत्तीसगढ़ का नाम देखिए, आप देखिए बहुत अच्छा बना है। नवा राय, नवा राय में जो बन रहा है बहुत अच्छा। हम लोग जो है पूरी तरीके से कर्नाटक के चुनाव में गए और आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, मंगेश जी, सारे के साथ हमारे राष्ट्रीय नेता कर्नाटक के चुनाव में लगे थे। अगर कहीं हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर हम प्रियंका जी को बुलाएं और समय मिला तो जरूर। नहीं, बिल्कुल इम्पोर्टेंस है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोगों को वहाँ इन्हें शिकस्त देखनी पड़ेगी।